और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज रायपुर आएंगे छत्तीसगढ़ के नव मनोनीत राज्यपाल अनुसुईया उइके। शाम 7:15 पर वो पहुंचेंगे रायपुर और 29 जुलाई को सुबह 9 बजे माना स्थित राजीव स्मृति वन के शहीद वाटिका पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और 29 जुलाई को ही शाम 4 बजे अनुसुईया उइके राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन दिलाएंगे शपथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सहित मंत्रिमंडल के सदस्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। और लाइव हमारे साथ हेमंत शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत, जैसा कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए नव मनोनीत राज्यपाल शपथ भी लेंगे और साथ में श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे, खासा कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके का यह पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है? हाँ, देखिए, जो छत्तीसगढ़ के नव मनोनीत राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, वो रायपुर पहुंचने वाली हैं। करीब 7:15 वो सीधे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां पर जो तमाम सरकार के अधिकारी हैं, इसके अलावा मुख्य सचिव हैं, वो उनका वहां पर स्वागत करेंगे। वहां से आने के बाद वो सीधे पहुना जाएंगे और पहुना में वो रात्रि विश्राम करेंगे। उसके बाद कल सुबह 29 तारीख को सुबह 9 बजे वो सीधे माना स्थित जो वन वाटिका है, जहां पर शहीद पट्टिका है, वहां पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और 29 तारीख को ही शाम 4 बजे राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है। वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के रामचंद्र आर मेनन, वो वहां पर उनको शपथ दिलाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष समान जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसा उनका कार्यक्रम रहने वाला है। हालांकि 2 दिनों तक वो यहाँ पर पहुना राज्य अतिथि गृह पहुना पर रहेंगे। वहां पर लगातार उनको बधाई देने का सिलसिला चलेगा। तमाम जो सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचकर उनको बधाई भी देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।